हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए 1H NMR का। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो, हमारा कार्बन एटम है और हाइड्रोजन एटम है। देखो, कार्बन जो एक्टिव, हमारे पास कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 13। जो कार्बन 12 वाला आइसोटोप होता है ये इनएक्टिव होता है, बट जो कार्बन 13 वाला आइसोटोप होता है ये एक्टिव होता है। तो इसलिए हम कार्बन 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, क्योंकि जो कार्बन 13 वाला, क्योंकि कार्बन 13 है वो एक्टिव होता है, वही जो हमारी सिग्नल्स है वो शो करेगा। ठीक है, अब हम पहले देख लेते हैं कार्बन 13 और 1H NMR में डिफरेंस के थोड़ा सा, तभी हम आगे स्टार्ट कर पाएंगे। तो देखो, जो कार्बन 13 NMR है, कार्बन 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें जो कार्बन होता है वह डायल्यूट होता है, डायल्यूट न्यूक्लियर होता है, और जो हाइड्रोजन होता है इसमें 1H NMR में वो हमारा होता है कंसेंट्रेटेड न्यूक्लियर। तो पहले मैं बताऊं जो इसका मतलब क्या है। देखो, डायल्यूट मतलब क्या होता है, हम इसमें अबेंडेंस की बात कर रहे हैं, नेचुरल अबेंडेंस की बात कर रहे हैं, जो हमारे नेचर में कितनी परसेंटेज अवेलेबल है। देखो, जो कार्बन 13 है हमारा, वो हमारे नेचर में सिर्फ और सिर्फ अराउंड 1.1% अवेलेबल है। तो इसलिए हमने इसको बोला कि डायल्यूट है, मतलब हमारे नेचर में बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में अवेलेबल है। तो इसलिए हमने इसको बोलते हैं कि डायल्यूट है, क्योंकि इसकी नेचुरल अबेंडेंस बहुत ही कम है। ठीक है, उसके बाद हम कार्बन हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन हमारे नीचे में अराउंड 100% ही अवेलेबल है, तो इसलिए हमने इसको कंसेंट्रेटेड बोल दिया। ठीक है, यहाँ से जो टर्म्स आती है डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड निकले, आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो है हमारा गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है वो हर एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट होता है। तो कार्बन के केस में होता है 10.705 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला, और जो हाइड्रोजन के केस में होता है ये होता है 42.57 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। ठीक है, ये तो जो वैल्यूज थी अलग सी बात है। तो ये जो इसकी सेंसिटिविटी होती है कार्बन 13 की, ये बहुत ही ज्यादा कम होती है, सेंसिटिविटी बहुत कम होता है, लेस सेंसिटिव होता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये मोर सेंसिटिव होता है। ठीक है, इसका हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है, पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और जो कार्बन 13 वाला है उसको रिकॉर्डिंग टाइम हमें बहुत ही ज्यादा चाहिए होता है, रिकॉर्डिंग टाइम मोर, और इसमें जो रिकॉर्डिंग टाइम होता है वो लेस होता है। ठीक है, जो इक्विपमेंट आते हैं यहाँ पे, हमें जो सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है, सैंपल की अमाउंट जो हमें चाहिए किसी भी स्पीसीज को देखने के लिए, वो हमें बहुत ही ज्यादा चाहिए होती है, और इसमें हमें बहुत ही कम चाहिए होती है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो सपोज करो मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, इसमें मेरा सैंपल रखा है। ठीक है, सपोज करो CH4 का सैंपल है हमारा। ठीक है, इसके अंदर CH4 के हमारे पास एक मॉलिक्यूल तो नहीं, सपोज करो इसके अंदर हमारे 1000 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब जो कार्बन CH4 है, इसमें देखो कार्बन के अंदर मैंने क्या बोले, 12 वाला आइसोटोप भी प्रेजेंट होता है और हमारा 13 वाला आइसोटोप भी प्रेजेंट होता है। तो जो कार्बन 12 वाला आइसोटोप होता है वो इनएक्टिव है, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, और ये वाला एक्टिव है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, हमें ये देखना है कि कितना, कौन सा कितना देगा परसेंट। तो देखो कैसे देखेंगे, जो कार्बन ये वाला मतलब क्या है, नेचुरल अबेंडेंस की बहुत ही ज्यादा, अराउंड 98% नेचुरल अबेंडेंस है इसकी, और इसके अराउंड 1.1% है, तो मतलब नेचर में बहुत ही कम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे, अगर हमने, हमारे पास CH4 का सैंपल है, हमने इसके ऊपर रेडिएशन डाल दिए, तो हमें क्या पता है कौन सा कार्बन है। तो सपोज करिए 12 वाला कार्बन, इसके ऊपर रेडिएशन गिर गई, अगर इसके ऊपर रेडिएशन हमने फोल्ड कराई है CH4 में और वो 12 वाला कार्बन हुआ, तो मतलब हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा, नो सिग्नल। ठीक है, फिर अगर हम एक और रेडिएशन फॉल कराते हैं, वो भी जो कार्बन पे गिरी वो भी कार्बन कौन सा है, 12 वाला आइसोटोप पे, तो यहां से भी हमें कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। फर्दर हम करवाते हैं तो वहां से भी हमें कोई सिग्नल मिलेगा, अगर 12 होगा तो, अगर 13 वाला कार्बन होगा तब हमें एक सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो यहां से जो हमारी टर्म आती है कि सिग्नल हमें कैसे मिल रहे हैं, तो सिग्नल हमें 12 वाले से नहीं मिलेगा, 13 वाले से मिलेगा। तो देखो 1000 मॉलिक्यूल्स है, 1000 का 1.1% निकालो, तो सिर्फ और सिर्फ 11 मॉलिक्यूल्स ही, 1000 मॉलिक्यूल्स में हमारे सिर्फ 11 मॉलिक्यूल्स ही ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं, क्योंकि वो क्या है, कार्बन 13 वाले हैं। तो सिर्फ जो एक्टिव 11 मॉलिक्यूल्स है वही हमें सिग्नल दे रहे हैं। तो अगर हम क्या करवा रहे हैं, रेडिएशन फॉल करवाते जा रहे हैं और हमारे कार्बन 12 भी मिलते जा रहे हैं, तो हमें कोई सैंपल ही, मतलब कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा। अगर हमें कोई सिग्नल मिल रहा है तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कहां तक पहुंचने में, कार्बन 13 तक पहुंचने में, क्योंकि हमें 1000 में से 11 मॉलिक्यूल्स से ही सिग्नल मिल रहा है। और अगर मान लो 989 बच गई, क्योंकि 989 कौन से है, कार्बन 12 वाले, तो स्टार्टिंग हमने तब रेडिएशन फॉल करवाई, वो 989 ही के ऊपर गिरी जो कि कार्बन 12 है, इनएक्टिव है, तो हमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा इन वाले 11 पे पहुंचने में। इसलिए मैंने आपको बोला कि जो रिकॉर्डिंग टाइम होता है बहुत ही ज्यादा होता है। सेंसिटिविटी ऑफ लेस क्यों होती है, इसका रीजन देखते हैं। तो इसके लिए जो सैंपल अमाउंट चाहिए, देखो यहाँ पे तो हमें 1000 मॉलिक्यूल्स नहीं है, तब जाके 11 मॉलिक्यूल्स बचे हैं। अगर मैं यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल लेती तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल एक्टिव होता। अगर एक ही मॉलिक्यूल एक्टिव होता तो आप क्या देखते, आपको सिग्नल, इतना सिग्नल मिलता, आपको क्या चलता कि है प्रेजेंट या नहीं है। तो इसलिए हमने जो सैंपल की अमाउंट है वो भी हमने बहुत ही ज्यादा ली है। ठीक है, अब आते बात सेंसिटिव,
देखो सेंसिटिव बात हम ऐसे करते हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं इसमें एनालॉजी लेते हैं हम इंसेक्ट्स की कंपाउंड आई, ठीक है, जो हमारे इंसेक्ट्स हैं इंसेक्ट्स को 360 डिग्री का अराउंड दिखता है, हम पीपल हैं, हम देखो हम 180 का अराउंड देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं तो हमारे 180 में जो चीज़ है हम वही देख सकते हैं, लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनके 360 अराउंड कंप्लीट रोटेट करके वो देख सकते हैं। तो सपोज करो ये एक फ्लावर बनाया मैंने, तो उन्होंने ये फ्लावर देखा तो उनको कैसी इमेज दिखेगी, ऐसी इमेज दिखेगी, फिर ऐसी दिखेगी, फिर ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, फिर ये कंपाउंड ये जो बन रहे कंप्लीट फ्लावर बनता है, उसके बाद इनमें को थोड़ी थोड़ी इमेज दिखते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं उससे कंप्लीट इमेज बना लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, मतलब हमें इन सबका इन्होंने क्या किया, एवरेज लेके सब पूरी का इमेज बना ली। ऐसे कार्बन 13 वाले केस में होता है क्या होता है, हमने पहले इसके ऊपर डाला कोई भी रेडिएशन नहीं आई, फिर इसके ऊपर डाला कोई भी रेडिएशन नहीं, ऐसे हम एक कार्बन 13 के ऊपर डाला मतलब वन मॉलिक्यूल था उसमें रेडिएशन आई, फिर सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर डाला फिर रेडिएशन आई, फिर थर्ड मॉलिक्यूल के ऊपर डाला फिर रेडिएशन, ऐसे इन सबका जो एवरेज होता है उसको मिला के हम सिग्नल देखते हैं कि कितना सिग्नल है, इसलिए बात आती है यहाँ पे सेंसिटिविटी लेस है, क्योंकि यहाँ पे तब कार्बन 13 लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे तो सेंसिटिविटी बहुत कम हो जाएगी। तो ये था इसका कार्बन 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक्स था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।